फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये आटे का बहुत ही हेल्दी एप्पल केक। एक तो इसमें एप्पल है, आटा है और हमने चीनी की जगह यूज़ किया है ब्राउन शुगर का। आप उसकी जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, काफ़ी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है। आप यहाँ केक का टेक्सचर देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह का बना है। सो डू ट्राई दिस रेसिपी। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। एप्पल केक बनाने के लिए सबसे पहले हम इस एप्पल को पील कर लेंगे। मैं यहाँ पर 1.5 एप्पल लूँगी और उसको प्यूरी करूँगी। मुझे लगभग 1 कप के करीब एप्पल प्यूरी चाहिए। मैंने यहाँ पर एक छोटा एप्पल इस तरह से पील कर लिया है। इसके बीज निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर आटे से एप्पल केक बनाएंगे हम। अब हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें एप्पल कट कर लेंगे। हमें इनको पीसना है और प्यूरी काली ना पड़े इसके लिए हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे, क्योंकि एप्पल जो है वो बहुत जल्दी ही एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही काले पड़ने लगते हैं। यहाँ पर हम एक नींबू का रस इस पर डाल देंगे। 3/4 कप ब्राउन शुगर डाल देंगे। आप ब्राउन शुगर की जगह नॉर्मल चीनी भी यूज कर सकते हैं, बट मैं हेल्दी केक बना रही हूँ इसलिए मैंने ये ब्राउन शुगर ली है। तो अब हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए एप्पल का प्यूरी रेडी है। तो अब हम इसे पैन में डाल करके एप्पल जैम रेडी करेंगे। तो अब हम इसे इस पैन में डाल देंगे। अगर एप्पल का कोई एक आधा चंक रह गया हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि केक में एप्पल के चंक्स भी अच्छे लगते हैं। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, एप्पल केक बहुत ही यमी बनेगा। तो इसको तब तक पकाना है जब तक कि जैम जैसी कंसिस्टेंसी पे नहीं आ जाए। तो इसको हम कुक कर लेंगे अच्छे से। अगर आप ब्राउन शुगर की जगह व्हाइट शुगर ले रहे हैं तो नींबू का रस जरूर डालें। तो ये देखिए एप्पल का जैम लगभग रेडी हो गया है। इसमें जो कलर है वो चेंज हो गया है और इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको हमने सिर्फ 3-4 मिनट के लिए कुक किया है, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे इसे। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है और ये ब्राउन शुगर की वजह से ब्लैक है। तो अब बिल्कुल भी चिंता ना करें इस चीज़ की। इसको हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। केक बैटर रेडी करने से पहले हम टिन रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 9 इंच का केक टिन लिया है। तो मैंने इसके बेस के बराबर एक बेकिंग पेपर कट कर लिया था। तो अब हम इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। तो मैं यहाँ बटर यूज कर रही हूँ इसको ग्रीस करने के लिए। इसको हम इस पर रख देंगे और एक बार इसको अच्छे से इस तरह से प्रेस करके ये बटर फिर से हम इस पर अप्लाई कर देंगे अच्छे से, जैसे केक बेस में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। केक पैन हमेशा बैटर रेडी करने से पहले तैयार करना चाहिए। तो साथ ही मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। अगर आप कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो कढ़ाई को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दीजिए। तो अब हम बैटर बना लेंगे। तो बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इस पर हम एक छलनी रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कप आटा ले रही हूँ, 1 कप और 2 कप। जो कप है वो पूरी तरह से लेवल्ड होने चाहिए। ये देखिए इस तरह से बेकिंग की मेजरमेंट्स की जाती हैं। तो यहाँ पर 2 कप मैंने आटा ले लिया है। तो 2 कप आटे के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा। अगर आप सिर्फ सोडा ले रहे हैं तो यहाँ पर 3/4 चम्मच ले लें। तो अब हम इन सब चीज़ों को इस तरह से छान लेंगे। तो अब हम इसमें ये एप्पल जैम डाल देंगे। तो अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। आप दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक साथ कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार ये केक बना चुकी हूँ। अगर आप इसे वीगन केक बनाना चाहते हैं तो आप इसमें यूज कर सकते हैं आलमंड मिल्क या फिर कैशोनट मिल्क का, या फिर पानी के साथ भी आप ये केक बना सकते हैं अगर आप इसे बिना दूध के बनाना चाहें तो। तो मैंने पहले यहाँ पर 1 कप दूध डाला है। अब हम इसमें 1/2 कप दूध और डाल देंगे और अगर हमें बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक ना लगी तो थोड़ा दूध और डालेंगे, बट आई थिंक कि इतना दूध काफ़ी रहेगा इसमें। ये जो केक है ये नॉर्मल एप्पल केक से बहुत ज़्यादा यमी बनता है और अगर आपको थोड़ा तेज़ मीठा पसंद है तो आप इसमें 1 कप तक चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम मीठा ऐड किया है। तो अभी केक का बैटर काफ़ी थिक है तो इसमें हम 1/2 कप दूध और ऐड कर देंगे। ये डिपेंड करता है आटे की क्वालिटी पर कि किस तरह का आप जो आटा है वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा फाइबर वाला आटा लिया है तो इसलिए इसमें जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा चाहिए केक के लिए।
साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप ऑयल। आप ऑयल की जगह बटर, घी कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज करना चाहें। तो मैं इसे एक विस्क की हेल्प से मिक्स कर लूंगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो आप इसमें कोई भी फ्रूट एसेंस ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मिक्स फ्रूट एसेंस मैंने ऐड किया है। तो बैटर रेडी है, अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक स्लाइसर ले लिया है, इससे मैं एप्पल के स्लाइसेस कट कर लूंगी। उससे पहले हम इसे 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। और मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं। इससे हमें बिल्कुल थिन और इवन स्लाइसेस मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास ये स्लाइसर ना हो तो आप नाइफ से भी स्लाइस कर सकते हैं। तो मैं पहले सारे एप्पल्स इसी तरह से स्लाइस कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से पतले पतले स्लाइस कट कर लिए हैं। तो हम बैटर डाल लेंगे और अब ये एप्पल स्लाइसेस जो हैं हम इस पर अरेंज कर देंगे। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं इसलिए। तो ये देखिए केक हमने रेडी कर लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ब्राउन शुगर, जिससे कि बहुत ही अच्छा क्रस्ट और कलर आएगा। देखिए मैंने इसको स्प्रिंकल कर लिया है। तो अब हम इसे प्रीहीटेड ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे लगभग 45 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। केक अच्छे से बेक हो चुका है। हम टूथपिक को सेंटर में डाल करके देख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकल करके आई है, इस पर कोई भी रेजिड्यू नहीं लगा हुआ इसका। तो इसका मतलब अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से पैन में ठंडा होने देंगे। तो केक थोड़ा ठंडा हो चुका है, हम इसे टच कर पा रहे हैं। तो हम इसकी साइड्स को इस तरह से क्लीन कर लेंगे हल्का सा। ध्यान रखिए साइड पर चाकू जरूर घुमाएं, इससे केक आसानी से निकल आता है। तो ये देखिए एप्पल्स की वजह से केक कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। आप चाहें तो इस पर मेपल सिरप, शुगर सिरप या फिर चॉकलेट सिरप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम केक निकाल लेंगे, उसके लिए इसको पलट लेंगे। देखिए वाह, ये देखिए कितना क्लीन निकल करके आया है केक। पेपर भी इसी में रह गया है, हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो हम इसे पलट लेंगे। बड़ा ब्यूटीफुल केक, सच में केक बहुत सुंदर बना है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक स्लाइस कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ट्रस्ट मी, इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। ये देखिए ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत मॉइस्ट है, कितना बढ़िया केक बना है, वो भी आटे से बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो मैं इसे यहाँ पर सर्व कर रही हूँ थोड़ी सी चॉकलेट सॉस के साथ। आप अपनी इच्छा से जैसा चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए केक कितना सॉफ्ट है, कितना मॉइस्ट है। ये देखिए कितना यमी बना है। तो डू ट्राई दिस रेसिपी, शेयर योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।